कल्चर uh, आ रहा है कि ऐसा रह नहीं गया है यहाँ का म्यूज़िक वहाँ पसंद किया yes. जा रहा है वहाँ का म्यूज़िक यहाँ पसंद किया जा रहा है सो दे लव आई थिंक दे लव मी बिकॉज ऑफ माई म्यूज़िक तो मैं ये कह सकता हूँ दे लव माई म्यूज़िक दे लव मी दे अप्रिशिएट गुड म्यूज़िक तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ वो फील होता है hmm. कि यू you नो know, yes. अच्छा लगता है hmm. वो

जो उन्होंने पहले लिया जाता एक्चुअली और मोहित सूरी को जो उन लोगों ने यू नो आशी की में उन्होंने बोला था कि आ, आ, तुम गाओ और मैं चाहता था कि वो गाना के के गाए तो तो वो चीजें हुई नहीं और आ गई फिर उसके बाद यू नो चीजें बहुत बेहतर हुई और मतलब अब गा, गाया तो मुझे खुशी है कि चलो ठीक ठीक किया जो गा दिया इट्स लाइक अ सुनामी द वे यू हैव हर बच्चे के हर हर एज ग्रुप के जुबान पे वही गाना चल रहा था नहीं आई मीन हाउ वाज योर फीलिंग जब वो इस तरह से इतना बड़ा तहलका मचा और इतना से अप्रिशिएट गया किया गया वो सॉन्ग भी आई मीन हाउ यू टेकन रात की नींदें गवा दी थी आपने ऑफ कोर्स रात की नींदें यू you नो know, चली गई थी और नए नए घर मेरे आई एम फ्रॉम यूपी कानपुर वहाँ से नए नए रिश्ते हो गए थे कि ये उनके 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 वो तुमसे बात करना चाहते हैं ये उनके 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 ऐसे ऐसे वो तुमसे बात करना चाहते हैं अरे बेटा वो मुंबई आए हैं हाँ। कौन अरे वो चाचा के बुआ के दामाद गए तो ये हुँ। हुँ। चेंज आया और और यू नो लोगों ने रिकोगनाइज़ करना शुरू किया फिर नॉमिनेशन हुआ तो क्या होता है जब आप यू नो नॉमिनेशन होता है अवार्ड मिलता है तो आप स्क्रीन पे दिखते हो तो जब स्क्रीन पे दिखना शुरू हुआ तो फेस वैल्यू वहाँ से यू you नो know, थोड़ी बहुत जितनी भी मिली वहाँ से मिली तो ये सब एड ऑन था जिंदगी में और यू uh, नो you know, काफी वो मैं भी बहुत अप्रिशिएट किया गया वो गाना कौन सा गाना? गाना मैं, मैं, मैं यही वाला आशिकी का हाँ 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 और इतना प्यारे, प्यारे थे, तो वो तो चले अभी भी दिमाग में बन चुके हैं लोगों के दिमाग में बस मैं आज और देखते तो हैं हैं कैसा आता है मैं गा पाते वो याद नहीं है मैं नहीं हिंदी का हाँ, हिंदी तो मैं गा दूंगा और मैं तेलुगु मतलब यही होते हैं सवेरे यहीं मरना और जीना यहीं मंदिर और मदीना हाँ तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां सो व्हाट अबाउट द साउथ म्यूजिक आपने कहा बहुत एप्रिशिएट हो रहा है सो रिसेंटली यू लव द सॉन्ग्स कुछ दिमाग में मतलब सुनते हैं तेलुगु सॉन्ग्स आप सुनना चाहो ना चाहो वो कान में आ ही जाते हैं अच्छा। तो ऐसे एक तो मुझे पर्सनली यू नो काफी पसंद आया एक तो इस, एक तो आई थिंक साउथ इंडस्ट्री में पहले से वो स्टाइल चल रही होगी या या होगी बट हम सबके सामने या ऑल ओवर बोल सकते हैं वो अभी आई है तो उनका वो स्टाइल वो वो साउंड जिस तरह का वो क्रिएट करते हैं जिस तरह का यहाँ पे जो क्रिएट करते हैं उनकी एक अपनी एक यू नो मिक्स एंड मास्टर करने की एक टेक्निक होगी आई एम श्योर और जो म्यूजिशन है जो जो गाते हैं जो फोनेटिक है यहाँ के अब यहाँ का जो सिंग जो यहाँ की जो लैंग्वेज समझता है वो फोनिटिक जब वो गाता है तो वो एक अलग टेस्ट आता है तो ट्राई किया कभी मतलब तेलुगु सॉन्ग सॉन्ग आई थिंक देयर वाज लॉन्ग बैक यू डिड वन एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मुझे क्योंकि मैंने शायद ध्यान नहीं दिया मेरे लिए मुझे में मैं दियाट नहीं कर पाता हूँ तेलुगु क्या है और कन्नड़ा क्या है और तमिल क्या है, तमिल क्या है? <laughs> मेरे लिए साउथ साउथ होता है तो मैंने कुछ चीजें गाई हैं और वो मैं नहीं बता सकता कि मैंने किस में में गाया है अगर आपको तेलुगु प्योर तेलुगु सॉन्ग गाने को दिया जाए व्हाट विल बी योर

खुद को ये लग रहा होता है कि यार ये लोग कितने प्यार से बोल रहे हैं और मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ मुझे समझना है लिरिक्स लिरिक्स फोनेटिक मीनिंग अब कभी सही हाँ गा रहा हूं तो फीलिंग चली जा रही है अब फीलिंग कभी करेक्ट आ गई आँख बंद हो गई तो गलत गा दिया तो वो अब खुद के लिए बहुत ही अजीब फील होता था उस वक्त बट दे ऑल आर वेरी स्वीट आर्टिस्ट को रिमेंबर समथिंग कुछ टोन या समथिंग जो आपने गाया हो साउथ का गाना या सुना हो कुछ याद हो नहीं मतलब सुना तो ऑफ कोर्स है आ, बट लिरिक्स उसके कुछ गुनगुना दिया, दिया जाए मैं लिरिक्स नहीं गा सकता गुनगुना दे गुनगुना दिया कुछ अभी जैसे मैंने पहले बोला कि मेरे मुझे नहीं पता कि मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता बट आई पुष्पा के गाने मुझे बहुत पसंद है हाँ, तेलुगु में भी आए वो और वो, वो और और एक गाना मुझे बेहद पसंद है बट मैं गलत अनिरुद्ध का गाना वेरी टैलेंटेड वो चीज बड़ी अच्छी लगती है और ऑडियंस अच्छा, तो मतलब, mm -hmm. तो जो, बोली बोली, yeah. जो तो तो है ना हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान के बाहर के लोग चाहे हिंदुस्तान और ह्यूमन जब भी अलग काम होगा जब कभी भी हमारी हमारी हिस्ट्री अगर उठा लो अभी उठा लो मुझे को ले मुझको खुद लो जब मैंने आज की टू किया था तो वो कुछ अलग लगा था जब कभी भी इन फ्यूचर आगे अलग काम होगा वो अप्रिशिएट होगा क्योंकि क्या ना जो सुनते 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 ये पता है ये होने वाला ये पता होने वाला अचानक से कुछ अलग आता है तो वो अप्रिशिएट होता है लेकिन इन सब चीजों में एक चीज कॉमन दिखती है मुझे जब हम नहीं भी थे छोटे होंगे अभी तक ये सब चीजों में एक चीज कॉमन है मेलेडी True. मेलेडी लोग बरकरार रखते हैं बाकी कुछ तो अलग सा hmm. उस वक्त ऊपर वाले का कुछ आशीर्वाद करेंट करेंट टाइम में चल रहा होता है कि बेटा ये अलग होने वाला है True. तो वो ऐसा हो जाता है सो दैट्स इट आई मीन इस ऐसा ही ये आगे भी हो, होता होता आएगा तो मैं बस एंड अप करूंगी चार सिचुएशन दूंगी आपको आपका कोई भी फेवरेट गाना हो मतलब आपने गाया हो जैसे दिमाग में आता है ये हमारी डिफरेंट इनताक्ष होती है पहले वेरी happy. आज मैं ऊपर आसमानी चे मैं आगे जमाना है पीछे हम आपको थोड़ा उदास कर देते हैं वेरी सैड वेरी सैड उदास हो गए आप mm, रो रहा हूं मैं सुन रहा है ना तू क्यों रो रहा हूं मैं मेरा गाना फिट बैठता है exactly. आपका आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया लड़की ने <laughs> <laughs> प्रपोजल एक्सेप्ट yes. कर लव सिचुएशन यू यू आज यूं तुझे मिलने मोहब्बत आई है लगता है दिल तेरी शामत आई है यारी दोस्त दोस्ताना यारों दोस्ती बड़ी हसीन है ए ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है गुस्सा मैं बदतमीज मेरी आदत खराब है बस गुस्सा <laughs> बहुत कम करना, करना चाहिए तो so, और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप चाहते हैं कि यू वांट टू सिंग एंड क्रिएट दैट एंगर आई मीन कुछ है दिमाग में ऐसी बहुत सिचुएशन ऐसी कितनी भी सिचुएशन का मैं वेट करूंगा यू you नो know, कि जो आए और hmm. हम कुछ उस पर बना पाए hmm. और यू you नो know, मैं सब चीज सिचुएशन के लिए आई एम रेडी एज अ कंपोजर

मेरा एक गाना है जो मोस्टली मैं उनके लिए गाता फैंस के लिए फ्रेंड्स के लिए गाता तेरे सांसों में जो तो मैं हूँ तेरे ख्वाबों की आंच जो हूँ तू तो मैं हूं तेरे होने से ही मेरा होना है तुझको खोना जैसे खुद को खोना तू जो है तू तो मैं हूँ यू जो है तू तो मैं हूँ yeah. क्योंकि वो है तभी मैं हूं exactly. yeah. और जस्ट जानना चाहेंगे कि कोई एक्टर दिमाग में है साउथ के जिनके लिए आप गाना चाहेंगे और आपके फेवरेट भी बन गए हो रिसेंटली एक्चुअली बहुत लोग हैं बहुत अच्छा साउथ तो के बात कर रही हूँ मैं <laughs> चलो तेलुगु में फोकस आई थिंक अलू अर्जुन है उनके okay, लिए okay, okay. मैंने नहीं शायद किया है कि नहीं किया नहीं किया तो यू वांट टू सिंग फॉर हिम ऑफ कोर्स कभी मौका लगा तो डेफिनेटली आई विल सिंग फॉर हिम चलो थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू